This movie uncoded by Patchy 87. पेश है मेरी मौत की कहानी, लेकिन घबराइए मत, असल में ये एक मजेदार कहानी है। और सच कहूँ तो ये मेरी कहानी है ही नहीं, ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है रपंजल, और इसकी शुरुआत होती है सूरज से। एक समय की बात है, सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से गिर पड़ी, और इस छोटी सी बूंद से निकला एक जादुई सुनहरा फूल। उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता था। ओह, उस बुढ़िया को देख रहे हो, उसे याद रखना, वो इस कहानी का बहुत खास हिस्सा है। तो हजारों साल बीत गए और एक नदी के किनारे एक राज्य बस गया। उस राज्य के महाराज और महारानी को सारी प्रजा बहुत चाहती थी, और महारानी वो माँ बनने वाली थी, लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई, बहुत ही बीमार। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, और ऐसे समय में लोग चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, और इस कहानी का चमत्कार है वो जादुई फूल। मैंने कहा था ना, वो बुढ़िया वापस आएगी। बात ये है कि ये औरत जिसका नाम है मदर गौथल, इसने अपनी जवानी को हजारों साल तक बचा कर रखने के लिए उस फूल की जादुई खासियत को किसी के साथ नहीं बांटा, और अब बस उसे एक जादुई मंत्र गाना था। खुल जाओ फूल, खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो पल उन्हें वापस ले आओ, वापस ले आओ। समझ गए ना, फूल को मंत्र सुनाती और जवान हो जाती। डर लगा? सुनहरे फूल के जादू ने महारानी को ठीक कर दिया, और जन्मी एक सुंदर सी बेटी, एक राजकुमारी जिसके रेशमी सुनहरे बाल थे। जानते हो ये बच्ची कौन है? ये है रपंजल। उसके जन्मदिन के मौके पर महाराज और महारानी ने आसमान में एक कंदील छोड़ा। उस पल तक सब कुछ एकदम सही था, लेकिन सिर्फ उस पल तक। खुल जाओ फूल, खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो पल। बच्ची को चुराकर निकल पड़ी और गायब। उस राज्य के सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि दूर घने जंगल में एक गुप्त मीनार में गौथल उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। हो गया लौटा दो सब कुछ जो था मेरा, जो था मेरा। गौथल को एक नया जादुई फूल मिल गया था, जिसे इस बार हर हाल में उसे दुनिया से छिपा कर रखना था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जहाँ लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तुम यहीं रहोगी जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं, समझी मेरी नन्ही कली? हाँ माँ। लेकिन उस मीनार की दीवारें सब कुछ नहीं छिपा सकती थी। हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर महाराज और महारानी आसमान में हजारों कंदील छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी खोई हुई राजकुमारी जरूर लौट आएगी। मुझे लगता है पास्कल यहाँ नहीं छुपा है। पकड़ लिया।
22 बार जीत गए। एक और बार खेलते हैं, मुझे फिर से जीतना है। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या करना है? ना, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। मुझे यहाँ अच्छा लगता है और तुम्हें भी। ओ छोड़ो ना पास्कल, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। बजे से शुरू होता दिन मेरा, झाड़ू मार के फर्श करती हूँ साफ। एक नहीं सौ का मौका है ढेरा, सफाई करते करते बच जाते हैं सवा सात। फिर लेती हूँ मैं किताब, एक नहीं तो या तीन, फिर भरती रंग अपने खाली दीवारों पर। और फिर गिटार बजाना और खाना पकाना, क्या बस यही है मेरी जिंदगी। घर के बाद आराम, फिर केक बनाऊं, गुड़िया संग मैं खूब खेलू झूमू, फिर मैं गम्बे और मोमबत्ती बनाऊं, थोड़ी सी एक्सरसाइज, सी लू ड्रेस, छोटा सा ही पढ़ लू वही किताबें, फुर्सत मिलती है घर, तस्वीरें और बना लू थोड़ी जगह बची, अगर मेरे बालों को सवारू मैं जी भर कर, पाती हूँ खुद को वही के वही। हर वक्त मैं सोचती, हाँ सोचती, मैं सोचती ही रहती, क्या यही है मेरी जिंदगी। कल रात फिर से रोशनी छाएगी मेरे जन्मदिन पर, होता हर साल जैसे। काश जा पाऊं मैं बाहर उसे देखने, अब जो बड़ी हो गई शायद माँ मुझे इजाजत दे। पहले कभी नहीं देखा। टाइगर, जल्दी चलो। एक मिनट, बस इसी की तलाश थी मुझे, ऐसा ही एक महल चाहिए। ये काम निपटा लिया तो तुम्हारा महल भी आ जाएगा। ओह, जुकाम? हाँ। तुम्हें नहीं लगता मेरा खुद का महल हो सकता है? मुझे तो पूरा यकीन है, इतना सारा काम निपटा लिया और अभी 8 ही बजे। दोस्तों, आज का दिन झकास है। मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन बहुत ही खास है पास्कल। आज तो मैं माँ से पूछ कर ही रहूंगी, जरूर पूछूंगी। मुझे ऊपर उठाओ। अभी पूछूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ, चलो अब जल्दी से छुप जाओ। यहाँ खड़े खड़े मेरी जवानी बीत जाएगी। बस एक मिनट माँ। आ गई माँ। रुपांजल,
तुम ये हर दिन बिना हार माने कैसे कर लेती हो समझ नहीं आता। तुम थक जाती होगी ना मेरे बच्चे। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी देर क्यों लगाए? ओ मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं। तो माँ आप जानती हैं कल का दिन बहुत ही खास है। आईने में तो देखो, जानती हो मुझे क्या दिख रहा है? एक काबिल बेहद खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी है ना। ओ तुम भी यहाँ पे खड़ी हो। मजाक कर रही हूँ, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत माना। नहीं तो वैसे माँ मैं ये कह रही थी कि कल का दिन बहुत ही है। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। तुम मेरे लिए गाना गाओगी बेटा? हम बाद में बात कर लेंगे। ओ, हाँ जरूर माँ। खुल जाओ, फूल के जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो पल उन्हें वापस ले आओ। रुको, भर दो जख्मी के जख्म, बदल दो खेल के सबका जो खो गया लगा दो सब बचेगा मेरा। रपंजल। तो माँ मैं ये कह रही थी कि कल बहुत ही खास दिन है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कल मेरा जन्मदिन है। टाटा। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारा जन्मदिन पिछले साल था। हाँ यही तो खासियत है जन्मदिन की कि वो हर साल आते हैं। माँ मैं 18 साल की होने वाली हूँ और मुझे ये पूछना था, इस साल मुझे मेरे जन्मदिन के लिए, वैसे मैंने काफी सालों से एक चीज़। सुनो सुनो रपंजल, बुदबुदाना बंद करो। तुम जानती हो मुझे बुदबुदाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बै, 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 मुझे इससे चिढ़ होती है। मैं मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत ही प्यारी हो। वैसे मैं तुम्हें प्यार बहुत करती हूँ। मुझे वो उड़ती रोशनी देखनी है। क्या वो? वैसे मैं सोच रही थी कि आप मुझे उड़ती रोशनी दिखाने ले चलेंगी। ओह, तो तुम तारे देखना चाहती हो? यही तो बात है, तारे तो मैं रोज देखती हूँ माँ, पर वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं। लेकिन वो रोशनी हर साल सिर्फ मेरे जन्मदिन पर दिखाई देती है माँ, सिर्फ मेरे जन्मदिन पर। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उससे कोई खास रिश्ता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ माँ, और यहाँ खिड़की से नहीं बाहर जाकर। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या है। तुम बाहर जाना चाहती हो? क्यों रपंजल? तुम हो जैसे नाजुक कोई कली, छोटा सा एक अंकुर अभी भी। मीनार में हम क्यों रहते हैं तुम जानती? जानती हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हारी ही भलाई के लिए। मुझको तो इसी दिन का डर था, जब तुम छोड़ के जाओगी मुझे। जल्दी क्या है जान, लेकिन मेरी बात मानो। हम सब जानती है, हम सब जानती है, मानो मेरी बात। खतरा है बाहर की दुनिया में, हम सब जानती है, बुरे हैं हालात, बच के रहना उस दुनिया से। गुंडे लफंगे, जहरीले पौधे, जंगली जानवर और बीमारियाँ, लेकिन कीड़े और मकोड़े, दानव डरावने। अब बस मुझे और कुछ न कहना। माँ के पास आओ, माँ तुझे संभालेगी, वादा ये करती हूँ मैं। बंद करो ड्रामा, कहती है मामा, हम जानती है। हम सब जानती है, अक्लमंद जो ठहरी, तुम तो हो अभी भी नाटा। मैली कुचैनी, बेफिकर निराली, अकेली हो जाओगी परेशान। बेवकूफ और भोली, ख्यालों में खोई, लकड़ और थोरी, पगली सी। मुझे लगता है तू हो रही है मोटी, मेरी प्यारी बिटिया रानी। हम माँ है समझदार, ममता से भरी, बस एक यही ख्वाहिश है। रपंजल। हाँ? दोबारा मीनार से बाहर निकलने की बात मत करना। ठीक है माँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उससे भी ज्यादा माँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा। भूल न जाना माँ का कहना, हम सब जानती है।
मैं जल्दी आऊंगी मेरी लाडो। मैं यही इंतजार करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं चलेगा। क्या मेरी नाक इतनी टेढ़ी है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी शक्लों का तो जवाब ही नहीं है। ठीक है, सुनो, तुम मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगा। पहले हमें झोला दे दो। क्या क्या कहा? इतने सालों की यारी दोस्ती और अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? वाकई? अब चलो, मुझे हाथ दो चिकने। माफ करना, मेरे हाथ खाली नहीं है। वो छोला हर हालत में चाहिए। अब वो नहीं बचेगा मैक्सिमस। चल गधे के चाचा, आगे चल। नहीं नहीं, रुक जाओ, वापस करो, वापस करो।
ठीक है मेरी अलमारी में एक आदमी है, मेरी अलमारी में एक आदमी है, मेरी अलमारी में एक आदमी है। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती, ऐसा ही कहा था ना माँ। खैर ये तो आप मेरे तवे से ही पूछिए। सरसों लाई हूँ, मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है ना खास? वैसे माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रपांजल तुम जानती हो मुझे तुमसे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है, खास करके जब गलती मेरी ना हो। माँ आप जो कह रही थी मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और देखो उन तारों के बारे में मुझे कुछ नहीं सुना। उड़ती रोशनी और हाँ उसी के बारे में, लेकिन शायद ये बात पहले ही खत्म हो गई थी बेटा। नहीं माँ शायद आपको लगता है कि मैं अपने आप को बाहरी दुनिया में संभाल नहीं सकूंगी। हाँ जान मैं जानती हूँ कि तुम बाहरी दुनिया में खुद को संभाल नहीं सकती, लेकिन आप मुझे रपांजल इस पर और बहस नहीं होगी। मेरा यकीन कीजिए मैं जानती हूँ। रपांजल माँ सुनिए, बस करो ये बकवास। रपांजल तुम इस मीनार से बाहर कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। बहुत अच्छे, तो अब मैं बुरी बन गई। मैं बस ये कहना चाहती थी माँ कि मुझे पता है मुझे मेरे जन्मदिन के लिए क्या तोहफा चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नया रंग, वो सफेद सीपियों से बना रंग जो आपने मुझे पहले दिया था। उसे लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा रपांजल, 3 दिन लग जाएंगे। मुझे बस ऐसा लगा कि ये बेहतर तोहफा होगा तारों से। तुम यहाँ खुद को संभाल लोगी ना? जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं 3 दिन में लौट आऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उससे भी ज्यादा माँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा। ढूंढ कैसे लिया? हाँ
कौन हो तुम और तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? तुम कौन हो ये ना जानू मैं और ना ही तुमको पहचानू मैं, बस इतना ही कहना है हाय। क्या हाल है? नाम है फ्लिन राइडर। क्या चल रहा है? और कौन मेरा पता जानता है? फ्लिन राइडर, मेरी बात सुनो सोनिया। रपंजल। कौन सी मंजिल? खैर छोड़ो, मैं जंगल में घूम रहा था और जंगल में मंगल हो गया। मैंने ये मीनार देखा और नहीं, मेरा झोला कहाँ है? मैंने छुपा दिया है ऐसी जगह जहाँ तुम नहीं ढूंढ पाओगे। उस मटके में है ना? अरे मत करना यार। अब वो ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम मेरे बालों के साथ क्या करोगे? काटोगे? क्या? बेचोगे? नहीं सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे बालों के इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या कहा? तुम्हें मेरे बाल नहीं चाहिए? मुझे तुम्हारे बालों से क्या लेना देना है? कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैंने ये मीनार देखा और मैं यहाँ चढ़ गया, बात खत्म। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जानती हूँ लेकिन मुझे लेकर कौन जाएगा? मुझे भी लगता है ये सच बोल रहा है, दांत नुकीले नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ ठीक है फ्लिन राइडर, मैं तुमसे एक सौदा करती हूँ। सौदा? इस तरफ देखो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तुम्हारा मतलब वो कंदील, वो राजकुमारी वाले कंदील? मुझे पता था वो तारी नहीं है। अच्छा, कल रात वो कंदील छोड़कर पूरे आसमान को रोशन करने वाले हैं। तुम मुझे अपने साथ उन कंदीलों तक ले जाओगे और वापस सही सलामत घर ले आओगे। उसके बाद और सिर्फ उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा झोला लौटा दूंगी, यही मेरा सौदा है। अच्छा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे और सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा है और इस वजह से मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। कुछ तो है जो तुम्हें यहाँ लाया है फ्लिन राइडर, चाहे उसे कोई भी नाम दो, किस्मत, कयामत या घोड़ा। तो मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है। एकदम फालतू फैसला है। लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम इस मीनार की एक एक ईंट क्यों ना निकाल दो, लेकिन मेरी मदद के बिना तुम अपना झोला कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम ये कहना चाहती हो मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊं, फिर वापस घर पहुंचाऊं, तो तुम मुझे मेरा झोला लौटा दोगी? मैं वादा करती हूँ, और जब मैं किसी चीज के लिए वादा करती हूँ तो मैं उसे कभी कभी नहीं तोड़ती, कभी नहीं। ठीक है सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, अब देखो मेरी कातिल आंखें। आज का दिन कुछ अलग है, ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ। ठीक है मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊंगा। सच में? कातिल आंखों का कचरा कर दिया। आ रही हो ना सोनिए? दुनिया बुला रही और मुझको है जाना, लग रहा है डर, मैं क्या करूं? बस अभी सब कुछ मुझे ही है करना। क्या जाऊं? नहीं मैं चली। कभी ना भूलना शुरू।
मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये कर दिया, यकीन नहीं होता मैंने ये कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये कर दिया। माँ गुस्से से पागल हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा तो वो गुस्सा कैसे करेंगी। ये मैंने क्या कर दिया, वो गुस्से से पागल हो गई तो कितना मजा आ रहा है। कैसी बेटी हूँ मैं वापस जा रही हूँ। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। कितनी बदमाश बेटी हूँ मैं, मेरी जिंदगी का सबसे एक बात कहूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है। क्या? मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, माँ का डर, बाहर की दुनिया से कटे कटे रहना। पूछो तो ये काफी गहरी कहानी है, लेकिन दिमाग पर इतना जोर मत डालो, ये सब बड़े होने की निशानी है। थोड़ा सा बागी होना, थोड़ी सी मस्ती, ये सब तो सेहत के लिए अच्छा है। सच में? मैं जानता हूँ तुम इसके बारे में बहुत सोच रही हो। क्या तुम्हारी माँ के साथ ये नाइंसाफी है? नहीं। क्या ये सुनकर उनका दिल टूटेगा? बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उनका दिल टूट जाएगा? बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े में इस तरह। उनका दिल जरूर टूट जाएगा, तुम सही कह रहे हो। वो तो मैं भी जानता हूँ। अरे यार, ठीक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से सौदा खत्म। क्या? हाँ हाँ, लेकिन मुझे शुक्रिया मत कहो। चलो वापस चलते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा तवा, तुम्हारा मेंढक, मुझे अपना झोला मिल जाएगा, तुम्हें अपनी माँ के साथ फिर से एक सच्चा और मजबूत रिश्ता मिल जाएगा, और उसके बाद हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। नहीं, मैं वो कंदील देख कर ही रहूंगी। अरे बस भी करो, मेरे खुद के झोले को पाने के लिए मैं और क्या क्या करूँ। लगाओ एक फिर से। अरे वो गुंडे मुझे पकड़ने आए हैं। शांत रहो, ये डर को सूंघ लेते हैं। माफ करना, मैं डर कर कुछ ज्यादा ही उछल गई। शुक्र मनाओ कि यहाँ कोई चोर, बदमाश या गुंडे नहीं निकले। लेकिन मैं गुंडों से नहीं डरती। तुम्हें भूख लगी है? मुझे एक बढ़िया जगह पता है। लेकिन कहाँ? वो मुझ पर छोड़ दो और चलो मेरे साथ। शाही घोड़ा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? रूपांजल, 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 मुझे ऊपर उठाओ, रूपांजल। मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं आसपास है। लो वो रहा, द स्नगली डकलिंग। घबराओ मत, बहुत अच्छी जगह है,
तुम्हें पसंद आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ डर कर तुम हिम्मत नहीं हारोगी। वैसे मुझे डकलिंग पसंद है। ये दम्बे दो के लिए टेबल लगाओ। कैसा लगा तुम्हें? अब नाक से एक लंबी सांस लो और जो बदबू आ रही है उसके बारे में सोचो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये बदबू इन पहलवानों की बगलों से आ रही है। हो ना हो ये इनके पसीने की बदबू है। क्या बोलती तू? ये तो बहुत लंबे बाल हैं। इसका जलवा भी देखा कहाँ है? क्या आपकी मूंछ में खून है? सोनी जरा देखो इनकी मूंछ में कितना खून है। वैसे ये आपका अपना है या किसी और का? अरे सोनिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम थक गई हो। ये जगह तो एकदम टिप टॉप है लेकिन तुम्हें रास नहीं आ रही है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मीनार में छोड़ देता हूँ। क्या ये तुम हो? अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं तुम ही हो। रेनो जाकर सिपाहियों को ले आओ। उस इनाम से मैं एक नया हुक खरीद लूंगा। मुझे भी पैसे चाहिए। और मेरा क्या? मैं कड़का हूँ। हटो पीछे, ये मेरा है। रुक जाओ। बैठ कर बात करते हैं। हे, छोड़ो इसे। भाइयों सुनो। मेरे साथ छोड़ो इसे। लगाऊंगे। ये मेरा है। छोड़ो इसे। नाको नहीं। मैंने कहा छोड़ दो इसे। देखो मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ पर हूँ लेकिन ये मुझे अपना कंदील देखने का सपना पूरा करने ले जा रहा है और मुझे इसकी जरूरत है। अपनी इंसानियत भूल गए क्या? क्या तुम लोगों ने कभी कोई सपना नहीं देखा? मैंने देखा था एक सपना। डरावनी है सूरत मेरी, दिमाग का दही बना दू तेरी, जब हाथ में आए बना दो उसकी चटनी। मेरी शक्ल पे तुम मत जाना, मेरे हुक से ना घबराना, कलाकार बन जाऊं है चाहत मेरी। मेरा संगीत सुनकर सब हो जाएंगे पागल, हाथ में मेरे जैसे जादू टोना, हाँ मैं बन जाऊं इतना काबिल कि संगीत हो मेरा कातिल। शुक्रिया। दिल के कोने में है मेरा सपना। किसका सपना? किसका सपना? मैं तो इतना भी बुरा नहीं हूँ ना, कर दूं एक मैं हड्डी पसली, पर सपना है बिल्कुल असली, कलाकार बनना है मेरा सपना। मैंने खाई है इतनी मार, ये हाथ हो गया बेकार, मेरे दांत देखो है टेढ़े मेढ़े सारे, पैर में है छह उंगलियां, मोटी नाक दिखती घटिया, क्या फिर भी कहोगे मुझको मेरे प्यारे? घूमू फिरू मैं देखू सारी दुनिया, संभोगी कोई सुंदर सजनी। हाँ मैं करता हूँ शिकार, पर करना चाहता हूँ प्यार, दिल के कोने में है मेरा सपना, मेरा सपना, मेरा सपना, मुझको दुनिया में प्यार का राजा बनना। हाँ मैं अंदर से हूँ अच्छा, मुझसे ना डरे कोई बच्चा, सबके जैसा मेरा भी है सपना, और बनाना चाहता है गुलदस्ता। गुंडर है सजाता घरों को, उल्फना जोकर, अनिला का केक देखो चक्कर, क्रूजर बुत्ता किलर सीता फैंकर पुतली को ना चाहता, और व्लादिमीर को अच्छे लगते यूनिकॉर्न। तुम्हारा सपना बोलो। मेरा सपना? तुम्हारा सपना क्या है? अरे नहीं नहीं मुझे माफ करो, मैं नहीं गाता। मेरे भी सपने हैं कितने, नहीं रंगीन तुम्हारे जितने, बस सात समुंदर पार जाना है मुझको, एक टापू हो मेरा ऐसा जहाँ पेड़ों पर हो पैसा, और अकेले रहूं हमेशा लेकर उसको। मेरा सपना, सपना, मेरा सपना, सपना, मुझको है उड़ते कंदीलों को देखना, जिस मीनार छोड़ के आई खुशियां है मैंने पाई, दुआ करो सच हो जाए मेरा सपना। सपना, 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 सपना
चक्के, फिर भी दिल में शोले भड़के, क्योंकि दिल के कोने में है छुपा सपना, मेरा सपना, मेरा सपना, मेरा सपना, मेरा सपना। मैं सिपाहियों को ले आया। स्पाइडर कहाँ है, कहाँ छुपा है वो? मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ सपना पूरा कर लो। हाँ जरूर। तुम्हारा सपना घटिया है, मैं इससे बात कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम्हें इस आदमी की तलाश है। मुझे गिरफ्तार करो। राडर यहाँ नहीं है सरकार। मैक्सिमस, वो कर क्या रहा है? खुफिया रास्ता। सिपाहियों जल्दी चलो। देखो वो तो भाग रहा है। जो डर गया वो हार गया। मेरा है सपना, कोई हो अपना। मैं नशे में हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? क्योंकि मेरे सामने जो खड़ी है वो खंभे जैसी है। तुम बड़े वो हो छोटे मियाँ। खुफिया रास्ता कहाँ निकलता है? कातिल हसीना। वैसे मानना तो पड़ेगा, काफी बहादुर हो तुम। वहाँ उन लफंगों की एकदम छुट्टी कर दी तुमने। है ना? जानती हूँ। तो फ्लिन, तुम कहाँ से आए हो? नहीं नहीं, माफ करो मैडम, ये मेरा प्राइवेट मामला है, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी में थोड़ी दिलचस्पी हो रही है। क्या मैं तुमसे तुम्हारे बालों के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं। तुम्हारी माँ के बारे में? आ-आ। अब बचा ये मेंढक जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना है। गिरगिट। जो भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर उन कंदीलों को देखने के लिए तुम इतनी बेकरार थी तो फिर तुम इससे पहले क्यों नहीं गई? वैसे प्लेन, प्लेन, राइडर, भागो, वो कौन है? मेरे दुश्मन। वो कौन है? वो भी मेरे दुश्मन है। वो कौन है? क्यों समझ लो मैडम कि यहाँ तुम्हें छोड़ के सब मेरे दुश्मन है। मैं इसी दिन के इंतजार में था। क्या बात है, मुझे भी अपने लिए ऐसा हथियार लेना ही पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। चलो छुपा छुपी खेलें। चेहरे तो देखो, लगता है जैसे बंदर हो। कूदो,
अब क्या करें? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई फायदा नहीं, नीचे घना अंधेरा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ ठीक कहती थी कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे माफ कर दो फ्लिन। यूजीन। क्या? मेरा असली नाम है यूजीन फिट्ज़गेरल्ड। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। और मेरे बाल जादुई हैं जो चमकते हैं जब मैं गाती हूँ। क्या? मेरे बाल जादुई हैं जो चमकते हैं जब मैं गाती हूँ। खुल जाओ, फूल खिल जाओ, अपनी जादू शक्ति दिखाओ। इसके बाल चमकते हैं। हम जिंदा हैं। मैं जिंदा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यूजीन, उसके बाल चमकते हैं। यूजीन, उसके बाल चमकते क्यों हैं? क्या? ये सिर्फ चमकते ही नहीं है। ये मुझ पर हंस क्यों रहा है? नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा राइडर को। किसी भी हाल में वो ताज मेरे हाथ में आना चाहिए। जल्दी चलो। या शायद तुम दोनों को जंगली जानवर जैसी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और जरा सा सोचना चाहिए। छोड़ो भी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम इतनी सी चीज से खुश हो तो जाओ ऐश करो। मैं तुम्हें कुछ और दिलाना चाहती थी जो हजारों ताजों से कीमती है। तुम दोनों करोड़पति बन जाते, लेकिन बंदर क्या जाने। चलो कोई बात नहीं, ताज से खुश रहो। वो और चीज क्या है? वो तो बदला लेने के बाद पता चलेगा इस फ्लिन राइडर से। क्या तुम अपने जादुई बालों को मेरी जख्मी हथेली पर बांध कर कोई चाल चल रही हो? माफ करना, बस तुम डर मत जाना। खुल जाओ, फूल खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ। बीत गए जो पल, उन्हें वापस ले आओ। भर दो जख्मी के जख्म, बदल दो खेल किस्मत का। जो खो गया लौटा तुम, सब कुछ जो था मेरा, जो था मेरा। Thank you.
नहीं डर रहा हूँ, क्या तुम डर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे जादुई बालों के बारे में जानना चाहता हूँ। असल में ये जादुई कब से बन गए? शायद हमेशा से ही। माँ कहती है जब मैं छोटी थी तो लोग इन्हें काटना चाहते थे, वो सब इनकी लालच में पड़ गए थे, लेकिन एक बार ये कट जाए तो ये भूरे हो जाते हैं और इनका जादू खत्म हो जाता है। ऐसा खजाना तो बचाकर रखना चाहिए ना, इसीलिए माँ मुझे कभी भी इसीलिए मैं कभी बाहर नहीं निकली। और तुम उस मीनार से बाहर कभी नहीं निकली?
ही दी। यूजीन? चलो ठीक है, उसने हाँ कह दी। और हम खुशी खुशी साथ रहने लगे। कोई शक? This movie uncoded by Patty 87.